हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मार्स तक पर। तो फ्रेंड्स, RRC ग्रुप डी साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची बोर्ड की तरफ से अभी अभी एक लेटेस्ट अपडेट दी गई है फ्रेंड्स, जिसमें फोर्थ पैनल जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट थे जो फोर्थ पैनल का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स। साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अभी अभी फोर्थ पैनल जारी किया गया है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं पूरी नोटिफिकेशन में इन्होंने फोर्थ पैनल में कितने ऐसे कैंडिडेट का नाम जारी किया है। इससे पहले चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए रेल भर्ती के पल पल के अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल 11 गार्डन रिच रोड कोलकाता 700043, यहां पर वेबसाइट दिया है फ्रेंड्स। और यहां पर प्रोविजनल पैनल पार्ट 4 अगेंस्ट CN नंबर RRC 1/2019, और यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स एक नंबर में जो कि मेंशन है, और जब जो CBT हुआ था और जो फिजिकल टेस्ट हुआ था फ्रेंड्स, उसी के बारे में मेंशन है। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं दो नंबर में अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट डिवीजन यूनिट सेल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स एंड सेल बी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी रिक्वायर्ड मेडिकल फिटनेस ऑप्शन ETC ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट सेल बी डिस्पैच बाई रेस्पेक्टिव डिवीजन यूनिट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका ऑफर लेटर डिवीजन और यूनिट की तरफ से जारी कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। और तीन नंबर में उन्होंने मेंशन किया मेरिट एंड रैंक सेल बी डिक्लेयर्ड एट लेटर स्टेज। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरिट और रैंक है वो बाद में इन्होंने डिक्लेयर करने का कहा है फ्रेंड्स। इसके बाद चार नंबर में द रिजल्ट ऑफ सम कैंडिडेट दोज हु आर इन मेरिट लिस्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ मेडिकल। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ें दी गई हैं जो पहले दी गई थी कि जिन भी कैंडिडेट का अभी तक, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका अभी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उनके पास नहीं पहुंचा है, जैसे ही उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा तो उसके बाद उनका भी यहां पर जारी कर दिया जाएगा नाम। और फ्रेंड्स, पाँच नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं वाइल ड्यू केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, ये उन्होंने मेंशन किया है कि रिजल्ट बनाने में उन्होंने काफ़ी केयरफुली रिजल्ट बनाया है और इसमें उन्होंने पूरी सावधानी बरती है। इसके बाद छः नंबर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, उन्होंने मेंशन किया द डिसीजन ऑफ RRC SER इन द मैटर सेल बी फाइनल। तो जो भी डिसीजन होगा वो साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो GRC की तरफ से जो डिसीजन लिया जाएगा वो फाइनल डिसीजन होगा फ्रेंड्स। उसके बाद सात नंबर में इन्होंने मेंशन किया दिस इज ओनली अ प्रोविजनल पैनल एंड नॉट द फाइनल पैनल। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है फ्रेंड्स कि ये भी एक फोर्थ पैनल है और इसके बाद भी अभी फिफ्थ पैनल भी जारी होंगे फ्रेंड्स। तो ये फाइनल पैनल नहीं है जो कि यहाँ पर सात नंबर में मेंशन किया गया, दिस इज ओनली अ प्रोविजनल पैनल एंड नॉट द फाइनल पैनल विच डज नॉट कन्फर अपॉन द कैंडिडेट एनी राइट टू अपॉइंटमेंट इन रेलवे सर्विस। उसके बाद आठ नंबर में यहाँ पर मेंशन किया है फ्रेंड्स, RRC विल नॉट एंटायर एनी इंडिविजुअल क्यूरीज इन दिस रिगार्ड। तो पर्सनली कोई क्यूरीज ये नहीं देंगे फ्रेंड्स। और डेट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 29/5/2023 मेंशन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फोर्थ पैनल अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर RRC 1/2019 ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे। इससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 61 कैंडिडेट है जिनका यहाँ फोर्थ पैनल में सिलेक्शन हुआ है। और फोर्थ पैनल में यहाँ पर फोर्थ पार्ट पैनल अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर CEN नंबर RRC 1/2019 ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो यहाँ पर रोल नंबर उनका नॉन PWBD कैंडिडेट है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख लीजिए टोटल 61 कैंडिडेट है। तो फ्रेंड्स, जिन भी कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन हुआ उन सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं उनका रोल नंबर मेंशन कर दिया गया है, 61 कैंडिडेट है ऐसे जिनका अभी जारी हो गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो भी कैंडिडेट फोर्थ पैनल के लिए इंतजार कर रहे थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।